computer generation. Okay, so computer generation are categorized into 5. The first one is first generation. First generation 1940s, 1940s 1950s सम्मको को कंप्यूटर ओके त्यति खेरको कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुन्थ्यो एंड त्यति खेरको कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनने को जुन चाहिँ हो ईएनआईएसी एनी के भन्छ यसलाई इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ओके यो 1940 को समय में यो आविष्कार भएको थियो र यसको लागि कम्प्युटर यो कम्प्युटर सेटअप गर्नको लागि चाहिँ एउटा ठूलो रूम लाग्थ्यो किनकि सबै पार्ट्स ठूलो थिए ओके त्यसपछि को समय आयो सेकेन्ड जेनेरेसन को कम्प्युटर आयो त्यो अब यहाँ 10 सालको ग्याप छ यहाँ पनि 10 सालको ग्याप हुन्छ 1950s देखि को 1960s वेरी गुड त्यति खेरको कम्प्युटर यो जुन चाहिँ पहिलाको कम्प्युटर थियो यो समयमा चाहिँ चार्ल्स ब्याबेज ले चाहिँ क्याल्कुलेटरको कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप गरेर त्यति खेर मशीन बनाउने चेष्टा गर्नुभयो र त्यही कारणले उहाँलाई चाहिँ भन्छु के भन्छु फादर अफ कम्प्युटर ओके यो कम्प्युटर हेर्नु मान्छे के युज हुन्थ्यो रे वैक्यूम ट्यूब्स अब वैक्यूम ट्यूब ला हटाएर के लगाउन थाल्यो ट्रान्जिस्टर्स भन्ने टेक्नोलोजी युज गर्यो त्यसमा 18,000 एउटा वैक्यूम ट्यूब ला हटाएर एउटा ट्रान्जिस्टर युज गर्यो मतलब 18,000 वटा वैक्यूम ट्यूब ला हटाएर एउटा ट्रान्जिस्टर यूज गर्यो यानी कि कंप्यूटर को साइज के हुन्छ ऑटोमेटिकली अब कम हुन्छ घट्छ नि हैन 18,000 वटा निकालेर एउटा मात्र लगाइदियो भनेपछि के हुन्छ साइज घट्यो त्यसरी यहाँ नि साइज घट्ने काम गर्यो 1950s देखि 1960s को समयमा ओके अब मेन खेला कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि थर्ड जेनेरेसन को समयमा सुरु भयो थर्ड जेनेरेसन को कंप्यूटर 1960s देखि को 1970s यो समय को कंप्यूटर हेर्नु चाहिँ अब पहिलो कंप्यूटर हेर्दा चाहिँ जे पनि हामी वर्क गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्थेन सिग्नल्स ले मात्र चाल पाउँथ्यो ठीक छ अब यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न पनि थाल्यौं कंप्यूटरलाई त त्यहाँनिर के भयो यहाँनिर चाहिँ चिप आविष्कार भयो इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज हुन थाल्यो इंटीग्रेटेड सर्किट भनेको चाहिँ आईसी ए टीवी बन्द गरे आईसी उड्छ भन्छ नि भन्नुहुन्छ नि मम्मीहरुले घरमा गणगण हुँदाखेरि आईसी भनेको चाहिँ चिप ठीक छ चिप चाहिँ कस्तो हुन्छ कालो कालो टाइपको देखि होला तिमीहरुले चिपमा के हुन्छ साइज चाहिँ सानो हुन्छ तर त्यसको भित्र चाहिँ हामीले धेरै इन्फर्मेसन स्टोर गरेर राख्न सक्छौ अन्त यो समयमा चाहिँ आविष्कार भयो इंटीग्रेटेड सर्किट को अनि इन्टिग्रेटेड सर्किट को कारणले गरेका चाहिँ के भयो कम्प्युटर को साइज चाहिँ के भयो सानो भयो हैन किनकि चिप को साइज त सानो हुन्छ अनि सानोले के हुन्छ त्यसमा धेरै इन्फर्मेसन राख्ने क्षमता हुन्छ सो अब यही टाइम मा चाहिँ के भयो VDU को पनि आविष्कार भयो VDU भनेको विजुअल डिस्प्ले युनिट VDU यानि कि कम्प्युटर को साइज त सानो भयो भयो साथसाथमा कम्प्युटर मा जे पनि वर्क गर्छौ त्यसलाई हामी हेर्न पनि सक्छौ ओके जसरी अहिले हामी हेर्छौ त्यसरी इन्टिग्रेटेड सर्किट त्यसपछि आउँछ फोर्थ जेनेरेसन को कम्प्युटर जो अहिले हामी युज गरिरहेको छौ क्लासरूम मा 1970s देखि को यो कम्प्युटर डेभलप भएर आएको हो अहिले सम्म डेभलप भइरहेको छ अहिले प्रेजेन्ट सम्म हामी युज गर्छौ त्यसलाई ओके यो कम्प्युटर मा हाम्रो के लाग्छ यो कम्प्युटर हाम्रो अहिलेको कम्प्युटर मा इन्टिग्रेटेड सर्किट्स चिप्स हरु पनि छ र साथसाथमा के छ माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो
प्रोसेसर कंप्यूटर में दिमाग भी हाल दिन माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को ब्रेन हम पर्सनल कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर हम देख पर्सनल कंप्यूटर ये पर्सनल कंप्यूटर को भित्र यानी कि सीपीयू बक्स को भित्र के माइक्रो प्रोसेसर अभी यह माइक्रो प्रोसेसर को कारण हम के हम कंप्यूटर चला सकते तेस पच्चीस आँच फिफ्थ जेनरेशन फिफ्थ जेनरेशन को कंप्यूटर में अब यह फ्यूचर हो प्रेजेंट देखि का फ्यूचर अब अलग टाइम अलग कंप्यूटर में भी जो ठूल ठूल रिसेंटली हम इसरो अब उड़ाए है इसरो ने जो प्रज्ञान भाई जो मशीन क्या आप चलते चंद्रमा में आप हिड़े तक माटो टिप्ते होना रिसर्च करते हो माटो हेड़े कि इसको कसरी करते कसरी करते मशीन को भिता के लगाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाइक यानी कि फ्यूचर को कंप्यूटर में के होता एआई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस बुद्धि आर्टिफिशियल बनाइक हम ब्रेन ने जिस जिस प्रकार के सोच हमी के चीज क्याकुलेसन कर सोच टाइप को बनाने खोजे वैज्ञानिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अरे कुरो एआई में धेरे सफ्टवेयर डेवलप भर आई सकते अलग टाइम में ठीक जस्तो तिमी जिस बोल्छ हेलो माय नेम इज अमन छेत्री भू ते ठैक्क लेखी हेलो माय नेम इज अमन छेत्री लेखी आप ठीक अब गूगल में हम ट्रांसलेसन देखना हमें नेपाली में लिख इंग्लिश में लिखी कसर लिख गूगल को जो सफ्टवेयर सफ्टवेयर को फीचर में क्या ग्रामर हाँ है तो आप विचार सोचते सफ्टवेयर ने तो एआई फीचर को कारण ठीक अब यूट्यूब में तुम्हें जो भैन कुछ भी गाना लगन को भो कम दिशो ये गाना लगो भटक्क लिखे आने वॉइस कमाण के लिए एक्सेप्ट करते तो कसरी एक्सेप्ट गए कि एआई फीचर यूज होते रिसेंटली मैं अलग अगले भाई प्रज्ञान जो तैयार चंद्रमा में अभी रिसर्च करते कसरी करते में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है यह अभी ठूल ठूल रिसर्च सेंटर में यूज होते एआई ने बनी कंप्यूटर भविष्य में आँच हो अब रिसेंटली भादा रोबोट्स जो अब एटा नेशनल लेवल को ठूल ठूल लेवल को काम स्पेस सेंटर यूज करने ओके फर्स्ट जेनरेशन को कंप्यूटर में के टेक्नोलॉजी यूज भएको थियो वैक्यूम ट्यूब्स सेकेंड जेनरेशन को कंप्यूटर में के टेक्नोलॉजी यूज भएको थियो ट्रांजिस्टर्स थर्ड जेनरेशन को कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम चिप नहीं भाई टाइम में यूज भएको थियो वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट फोर्थ जेनरेशन को कंप्यूटर यानी कि 1970 देखि को अलगसम प्रेजेंट समय हम के यूज कर माइक्रो प्रोसेसर अभी फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर यानी कि अब फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट अलग यूज होते फ्यूचर में यूज होने वाला हो एआई एआई फुल नेम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके सो फर्स्ट जेनरेशन को वाला जो कंप्यूटर थे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बने को ENISE इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ठीक है अभी हम इसको फुल नेम लिख्नु पर्छ ओके